और आप देख रहे हो जी टेक्निकल फ्रेंड। आज हमारे पास एक कूलर आ रखा है रिपेयरिंग करने के लिए फ्रेंड। इसमें दिक्कत ये है कि इसके बटन भी दो बटन काम नहीं कर रहे, इसके नए बटन चेंज कराने हैं और इसके अंदर की वायरिंग भी चेंज करानी है फ्रेंड। फ्रेंड पहले हम इसका ढक्कन खोल लेते हैं पीछे से फ्रेंड। ये ढक्कन हमने इसका ओपन कर लिया, देख सकते हैं आप। और यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो वायरिंग है बहुत पुरानी भी हो चुकी है। तो इसके यहाँ पे बटन है फ्रेंड, कूलर के अंदर बटन है, ये वाले रोटर बटन होते फ्रेंड, ये वाले बटन रिपेयर करने से दूसरे बटन लगाएंगे फ्रेंड, करेंगे इसमें ठीक है फ्रेंड। चलो हम इन्हें चेंज करते हैं बटनों को। पहले इसके लिए हमको पहले क्या करना है, जो ये बटन है ये बटनों को निकालना है इसमें से ठीक है फ्रेंड। ये बटनों को कैसे निकालना है फ्रेंड, हल्का इस पीसकस को इसमें डाल के इनको ऐसे बाहर को धक्का मारना है यूं करके, बाहर खींच के बटनों को हम इस तरह निकाल लेते हैं, इसके पीस खोल लेते हैं। पीस है फ्रेंड, देखो पीसों को खोल लेते हैं। फ्रेंड इन बटनों को हम निकाल लेते हैं यहाँ से, देख सकते हो फ्रेंड मैंने बटन निकाल दिए इसके ठीक है फ्रेंड, देख सकते हो मैंने ये बटन इसमें से हटा दिए हैं इस तरह ठीक है। अब फ्रेंड हम इसमें नए बटन लगाएंगे ठीक है। पहले हम नए बटन लगा लेते हैं, आपको नया बटन दिखा देते, देख सकते हैं फ्रेंड ये इसके नए बटन है। नए बटन ला रखे हैं, ला रखा है इसके लिए, इसमें अब हम इन्हें लगाएंगे ठीक है। पहले इनको लगा लेते हैं फिर दिखाएंगे आपको। मैंने इसमें नए बटन लगा दिया ठीक है फ्रेंड, आप इधर भी देख सकते हो ये मैंने इसमें नए बटन लगा दिया फ्रेंड ठीक है। अब फ्रेंड हम इसकी वायरिंग पहले कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे इसकी वायरिंग कैसे कर रखी है हमने ठीक है। मैंने यह बटन लगा दिए और अच्छी तरह यहाँ पे बटन भी लगा दिए हैं। अब ये इसमें हम एक कैप लगा देते हैं ठीक है फ्रेंड, कैप लगा देते हैं, देख सकते हो कैप भी लगा दी और इसके अंदर हमने वायरिंग भी कर दिया फ्रेंड, देख सकते हो हम यहाँ पे हमने बटना की वायरिंग भी कर दी फ्रेंड, देख सकते हो इसमें वायरिंग कैसे कर रखी है। उस वायरिंग के बारे में हम बता देते हैं आपको फ्रेंड, इसकी वायरिंग हमने इस तरह कर रखी है। जो इसका ये मेन वायर है जो बाहर से एसी से आ रहा है, ये हमने यहाँ पे न्यूट्रल न्यूट्रल एक साथ, इस पर हमने एक ये स्विंग का भी वायर लगा रखा है और पंप का भी और मोटर का भी इसमें हमने ये वायर लगा रखे हैं ठीक है। और उसके बाद जो फ्यूज का है, ये फ्यूज का वायर हमने ये बटन के यहाँ पे लगा रखा है और यहाँ से फिर ये वाले बटन पे लगा रखा है और उसके बाद ये वाले बटन पे लगा रखा है ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड जो ये वाला वायर हमने यहाँ लगा रखा है, ये डायरेक्ट हमारे इस मेन मोटर के वायर पे जा रहा है, देख सकते हो आप ये मेन मोटर का वायर है इसमें जा रहा है। और उसके बाद जो यहाँ से हमने रेड वायर ले रखा है, ये रेड वायर हमारा पंप के
रेड वायर पे जा रहा है, और उसके बाद फ्रेंड जो हमारा स्विंग है, स्विंग का वायर हमने यहाँ से एक वायर यहाँ से ले रखा है देख सकते हो, और जो दूसरा वायर है फ्रेंड न्यूट्रल वाला, ये एक साथ न्यूट्रल पंप के और मोटर के और स्विंग के एक साथ लगा दिया हमने, ठीक है। इसमें टेप मार दिया, इसको हम टिंग टिंग कर लेते हैं फ्रेंड। कूलर की वायरिंग कर सकते हैं फ्रेंड। फ्रेंड अब हम इसको आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, पहले हम ये वायर को सेट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। पानी भी भर दिया, कूलर में पानी भर दिया। अब हम इसे टेस्ट करते हैं फ्रेंड। इसको अंदर को रख देते हैं, फिर पानी बाहर आ जाएगा सर, ठीक है फ्रेंड। अभी इसके पीछे वाल्व लगाएंगे हम, देख सकते हैं इसके होल्डर पे बटन, होल्डर पे प्लग लगाते थे, अब हम इसे ऑन करते हैं। ये ऑन कर दिया फ्रेंड। अब हम देख इसको आगे से ऑन करते थे फ्रेंड। ये है इसका स्विंग का, और ये है मोटर का, सॉरी पंप का, और ये है मोटर का, पंखे का, ठीक है। हम इसे ऑन करते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे रेलिंग करने लग गई है, ठीक है। और ये है इसका पंप का, हम जैसे पंप ऑन करते हैं, हमने पंप का कर दिया, और ये रेलिंग पानी आने लगा हुआ है। पंप का ऑन करते हैं, देख सकते थे इसमें पानी आने लग गया, इसके दिशा में, ठीक है। उसका हर बटन काम करने लग गया था, ठीक है। ऐसे ही आप अपने घर में भी कूलर के बटनों को चेंज कर सकते हैं और कूलर सही कर सकते हैं, कूलर की ये बटन चेंज किए थे फ्रेंड, देख सकते हो सब बेकार हो गए थे। ये वायरिंग वायरिंग है इसकी,